हेलो एवरीवन, आज फिर से ईमैप्स हब में लाए हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी का मैथ बुक से आप लोगों 9.1 एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर है। मान लीजिए कि यह है ग्राउंड, जमीन है, जमीन से वो कितने मीटर यहाँ पे काइट है, यहाँ पे काइट मान लीजिए फ्लाइंग कर रहे हैं हम, मान लीजिए जमीन है या छत है कहीं से हम, तो हमको ग्राउंड ही इसको मान के चलना है। 60 मीटर हाइट है ग्राउंड से, 60 मीटर हाइट में वो काइट फ्लाइंग हो रहा है, ग्राउंड से ही हाइट दिया है। अब जो है द इसका जो स्ट्रिंग है, हम लोग जानते हैं यहां से जब उड़ा रहे हैं तो स्ट्रिंग जो है स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ जो रस्सी से बांध के हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं। Attached to the kite, it is temporarily tied to a point on the ground. मान लीजिए वो ग्राउंड सी है, यहां से इसको बांधा हुआ है, यहां से इस रस्सी को, पतंग की रस्सी को यहां से बांध दी है। अब ये जो पतंग की हाइट है 60 मीटर दिया हुआ है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स हुआ ये इसकी ढाल, इंक्लिनेशन जो है इस स्ट्रिंग का, टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मीन्स थीटा, ग्राउंड इज 60 डिग्री, यहां से यहां जो ये इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखो बच्चों ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ये हम लोगों को फाइंड करना है ये स्ट्रिंग का लेंथ। अब आप लोग बताइए कि ये राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा, थीटा के सामने इसको हम पी बोलेंगे और 90 डिग्री सामने एच। अब हम लोगों को ये हाइट यहाँ एच निकालना है, दिस इज नॉट हाइट, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, लेकिन हम लोगों को ये स्ट्रिंग का लेंथ हम मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेट द एच हाइट ऑफ द काइट is AB and given AB equal to 60 meter, ये दिया हुआ आप लोगों, AC equal to length of the string, और ये आप लोगों को निकालना है equal to what, that means we have to find the length। so अब क्या करना है, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने P और हम लोगों को H निकालना, तो P by H बताइए किस में आता है, किस रेशियो में, P by H साइन थीटा में, तो ये साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, P का वैल्यू 60 मीटर है जी, और H का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, H की जगह आप AC लिख सकते हैं, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, यह एक टेबल है, वैल्यू दिया हुआ आप लोग इसको जरूर रिमेम्बर कर लीजिए। एसी इंटू √3 करते हैं तो हम एसी √3 आता है, 2 × 60 = 120 डिग्री, एंड एसी इक्वल टू वी हैव टू फाइंड 120/√3। जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि ये नीचे रूट जो है इसको सॉल्यूशन करना है, इसके लिए रेशनलाइज फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, तो √3 ये न्यूमरेटर और √3 डिनोमिनेटर को हम इसको डिवाइड भी कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो 120 √3 ये रह गया, √3 √3 3 3 4 जा, दैट इज 40√3 मीटर, ये आप लोगों का आंसर हो गया, यानी कि उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है 40√3 मीटर है। यही क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, और आप मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे।